नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर, असिस्टेंट इंजीनियर UPPCL, आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। अभी असिस्टेंट इंजीनियर UPPCL AE का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको आज हम लोग अपने चैनल पर लेकर आए हैं। तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से हमारे टीम ने इसको तैयार किया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अभी आगे UPPCL AE का प्रिपरेशन भी इस चैनल पर होगा, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपको हो सकते हैं एग्जाम्स में मिले आपको वो क्वेश्चंस। गेट प्रीवियस ईयर डिस्कशन किए जाएंगे जो UPPCL AE एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आइए असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट जो निकला 2021 का, उसको अभी हम लोग देखें। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व सीटें कितनी निकली हुई हैं, 24, EWS की 7 है, SC कैटेगरी के लिए 30। तो आपको बता दूं कि अगर आप UP स्टेट के बाहर के हैं, तो चाहे आप OBC हैं या SC है या ST हैं, EWS आप आएंगे जनरल कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर आप UP के हैं तभी ये जो लिखा हुआ ना UP डोमिसाइल ओनली, तो UP डोमिसाइल तभी लगेगी जब आप UP के रहने वाले हैं, और तब ही आप OBC, SC और ST का कैटेगरी में वो जॉब ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए 24 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 8 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 12 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के पास अपॉर्चुनिटी है। एक दिक्कत इसमें यह है कि इलेक्ट्रिकल के लिए सीटें बहुत कम निकली हैं इस बार। इलेक्ट्रिकल के लिए जितने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल का होप लेकर रखे थे कि UPPCL AE में वैकेंसी आएगी, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से वैकेंसी बहुत ही कम आई है। बट एनीवे, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप अपना मतलब ये 24 लोग को सेलेक्ट करना UPPCL के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट इससे ये हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का, रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। अगर सपोज़ कि 200 में से कट ऑफ 145-150 जा रहा है पिछले बार के अकॉर्डिंग, तो इस बार लगभग आप मानकर चलिए कि 180 के क्रॉस चला जाएगा, 180-185 चला जाएगा कट ऑफ रिटर्न का, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। फिर अगर आप UPPCL AE एग्जाम्स निकाल लेते हैं, मतलब रिटर्न क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे एज असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपकी जो पे स्केल होगी जो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, आप लेवल 10 में आएंगे, लेवल 10 में आपको पेमेंट मिलेगा, लेवल 10 में आपका पेमेंट होगा। लेवल 10 का बेसिक ही 59,500 है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे पहला पे जो बेसिक होता है वो 56,100 है, लेकिन UPPCL में रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड पे स्केल मिलता है। आपकी पहली ज्वाइनिंग पे आपको बेसिक 59,500 मिलेगी सैलरी, और 59,500 इसी पर 31% DA मिलेगा, और कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, 650 रुपीज लगभग अलाउंसेस मिलेंगे। तो 59,500 को 1.31 से मल्टीप्लाई करके इसमें 650 ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी सैलरी बनेगी ग्रॉस। उसके बाद डिडक्शंस भी होते हैं इसमें, लाइक PF डिडक्शन होता है, हर कंपनी का अपना अपना डिडक्शन है। तो यहाँ पर CPF है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वो डिडक्शन होता है। फिर आप इनकम टैक्स देंगे, और एक 1067 रुपीज़ का एक डिडक्शन और है, जो आप जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी पहली बेसिक 59,500 होगी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी DA 31% किया, तो वो तो आपको मिलेगा ही। तो ये हुआ पे स्केल। अब क्वालिफिकेशन, आप देखिए कि हिंदी में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हिंदी के एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। अगर आप जिस डिग्री से भर रहे हैं उसके आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है तो उसकी, और कंप्यूटर साइंस की है तो उसकी। अच्छा, एक बात और यहाँ की, यहाँ लिखा हुआ है कि मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब बहुत जगह ट्रिपल ई ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी भर सकते हैं इस एग्जाम को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री से वो दे सकते हैं। एज एंड रिजर्वेशन देखिए कि मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग, 2 ईयर मतलब 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। रिलैक्सेशन भी मिला है अपर एज लिमिट में, ये आप देख लीजिए, ये अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं, ठीक है, तो OBC और इस 5 ईयर्स का मिला हुआ है, और फ्रीडम फाइटर ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 ईयर्स मिला हुआ है, और सिलेबस जो दिया गया है वो सेम सिलेबस है एज दैट ऑफ गेट
2021। तो सिलेबस डिस्कशन के लिए हम लोग अलग वीडियो लाने वाले हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा अलग से। और गेट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीपीएससी वाले एग्जाम के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। एप्लीकेशन फी रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के लिए है 1180, जो अदर देन यूपी के हैं उनके लिए 1180 और ऐसे भी 1180 है। एससी और एसटी के लिए 826, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12 रुपीज है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए www.uppcl.org, वहां पर आप लॉग इन करिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए। अच्छा, एक चीज क्या यहाँ लिखी हुई है कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखे कि कंसर्न्ड एंड रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल कैन मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 31st मार्च। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 31st मार्च 2021 के बाद की जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल वाली, इसके बाद वाली चाहिए। तो जिनके पास ना हो वो बनवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है ये मैच करें आपसे। देखिए लिखा हुआ है कि फेलिंग टू प्रोड्यूस दिस क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन एट द टाइम ऑफ चेकिंग इन ओरिजिनल विल रिजल्ट इन कंडीशनल रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर। तो अगर ये मेंशन है कि 31st मार्च के बाद का होना चाहिए, तो अभी समय आप बना लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए कि आप 2nd ऑफ दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, फीस 2nd ऑफ दिसंबर तक भर सकते हैं, चालान के थ्रू 4th ऑफ दिसंबर तक कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट दी गई है, टेंटेटिव, अभी ये चेंज हो सकता है, 2nd वीक ऑफ जनवरी। तो ऐसा मान के चलिए कि अगर जनवरी में आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्प डेस्क का लिंक दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, अभी आगे हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे और यूपीपीसीएल ए की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अपने चैनल पर, और जहां हम लोग गेट के क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल ए एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।